हेलो गाइज, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। विकास सेठी इस दुनिया में नहीं रहे, महज 48 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से स्ट्रेस से जूझ रहे थे, वो डिप्रेशन में थे और वो जब आखिरी बार सोए तो सोकर सुबह नहीं उठ पाए। जी हाँ, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और ये खबर ना हर किसी को हैरान करती नजर आ रही है। पर गाइस, क्या आपको पता है, परिवार जो है विकास सेठी का, वो पूरी तरीके से टूट गया है। जी हाँ, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो विकास का भाई है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई से जब एक इंटरव्यू में सवाल किए गए विकास की मौत पर, तो भाई इतना ज़्यादा टूटा हुआ था कि वो बोलने की स्थिति में नहीं था। भाई ने साफ कहा कि मैं अभी शॉक में हूँ, मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। बता दें आपको कि विकास सेठी एक वक्त पर टीवी का जाना पहचाना नाम थे। उन्होंने करीना के बॉयफ्रेंड का भी रोल अदा किया था फिल्म कभी खुशी कभी गम में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और इसके अलावा कई टीवी शोज में वो अपना जलवा दिखा चुके हैं, अपनी किलर लुक से सबका दिल जीत चुके हैं। पर अफसोस, अब विकास सेठी इस दुनिया में नहीं रहे। विकास के जाने की खबर ने फैंस को हिला कर रख दिया है और परिवार को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। बता दें आपको कि विकास सेठी दो बेटों के पिता हैं, उनके जुड़वा बेटे हुए थे और उनकी पत्नी जो है वो भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। बता दें आपको कि विकास सेठी तंगी से गुजर रहे थे, आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी ख़राब थी, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास काम नहीं था और वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो बड़े बड़े लोगों से जाके मिल रहे थे काम के सिलसिले में, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पा रही थी। और बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में भी थे और वो दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही।